बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पीपीएससी में एनएएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। एनएएम स्टैंड फॉर नॉन अलाइड मूवमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनएएम स्टैंड फॉर क्या होता है, तो स्टैंड फॉर नॉन अलाइड मूवमेंट। और इसको कब फाउंड किया गया? इसको फाउंड 1 सितंबर 1961 बेलग्रेड में, जो कि सेर्बिया का कैपिटल है। और इसके फाउंडर कौन कौन से थे जी? पीएम जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया से तल्लक़ रखते थे। प्रेसिडेंट क्वेम नकरुमा, घनियान से तल्लक़ रखते थे। और प्रेसिडेंट सुकार्नो, इंडोनेशिया से तल्लक़ रखते थे। प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासर, इजिप्टियन, जो कि मिस्र से तल्लक़ रखते थे। प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो, जो कि यक्सलोव से तल्लक़ रखते थे। इन्होंने मिलकर इसको फाउंड किया। और इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया है, और चेयरपर्सन इल्हाम अलीव है। और इसके जो टोटल मेंबर हैं वो हैं 120 और ऑब्ज़र्वर 17 हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हैं 10, और कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो जो है वो है न्यूयॉर्क सिटी। और एक और क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना? पाकिस्तान मेंबर इसका 1979 हवाना की समिट के दौरान बनाया गया। ये इसके मुतालिक डिटेल थी जो कि पीपीएससी में इनसे रेलिवेंट ही पूछा जाता है। और अगर ये मुकम्मल वीडियो आपने देखी है तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएंगे।